नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पार्ट तीन, जिसका शीर्षक है आम की टोकरी। बच्चों, कविता का सारांश इस प्रकार है कि प्रस्तुत कविता आम की टोकरी में सिर पर टोकरी रखकर आम बेचती एक 6 साल की बच्ची के मनोभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। ओके, इस कविता के कवि रामकृष्ण शर्मा गद्दर है। कवि कहता है कि एक 6 साल की बच्ची टोकरी में आम रखकर बेच रही है, किंतु उनका दाम नहीं बताती। वह आम से भरी टोकरी सबको दिखाकर अपने पास बुला रही है। वह लड़की सबको आम तो दे रही है, पर अपना नाम नहीं बता रही है। कवि कहता है कि अब हमें उस बच्ची का नाम नहीं पूछना, अब तो हमें केवल उसके रसीले आम चूसने हैं। ओके बच्चों, अब हम इस काव्यांशों की व्याख्या देखेंगे। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। छोकरी का अर्थ है लड़की, दाम का अर्थ है कीमत। ओके, इस काव्यांशों की प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता आम की टोकरी से ली गई है। यह कविता रामकृष्ण शर्मा गद्दर द्वारा रचित है। इसमें कवि ने आम बेचती एक 6 साल की बच्ची के हाव भाव तथा क्रियाकलापों का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस काव्यांशों की व्याख्या इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक 6 साल की बच्ची टोकरी में आम भरकर बेच रही है। वह लड़की आम तो बेच रही है, किंतु दाम नहीं बता रही। कवि कहता है कि लड़की अपनी टोकरी को दिखा दिखा कर हमें बुला रही है। ठीक है बच्चों, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। इस काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता आम की टोकरी से ली गई है।
यह कविता रामकृष्ण शर्मा खद्दर द्वारा रचित है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि लड़की हम सबको आम देती है, किंतु अपना नाम नहीं बताती। तत्पश्चात कवि कहता है कि हमें अब उस बच्ची से नाम नहीं पूछना, बल्कि केवल आम चूसना। ठीक है बच्चों, I recite again। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। इस कविता को कंठस्थ करो। ठीक है बच्चों, मेमोराइज दिस पोयम। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।